तो देखिए अभी रात हो गया, आप लोग गए हैं, सेव लेके आए हैं एक पेटी, एक कैरेट केरा लेके आए हैं और 5 किलो लड्डू लाए मोतीचूर का, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं सुबह में प्रसाद बांटना रहता है। और हमारे यहाँ जैसे क्या होता है ना रिया, बहुत बड़ा चौराहा है दोस्तों, और अगल बगल में जैसे घर भी है हमारी, जो माता बहने आती है गाना वाना गाने के लिए, बहुत अच्छी है, लोग हमारा बहुत सपोर्ट करती हैं दोस्तों। हम तो आप लोग तो जानते हैं खेत में घर बनवा लिए हैं, अगर वो लोग चाहती तो हमारे बुलाने से नहीं आती, क्योंकि वो लोग कभी हमको अपने घर बुलाते हैं तो हमको टाइम ही नहीं रहता, नहीं जा पाते हैं, लेकिन हम जब भी बुलाते हैं तो सब लोग आ जाती हैं, इसीलिए हम उन लोग का लाख लाख धन्यवाद करते हैं। हमारी माता रानी की वजह से सब लोग हमसे मिलते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों जिसको भी प्रसाद खाना है देख लीजिए, ये प्रसाद में गणपति जी को लड्डू चढ़ता है ना, देखिए यहाँ पे लड्डू है, एक 5 किलो लड्डू लेके आए हैं। दोस्तों ये प्रसाद जो है 2 दिन का है, मतलब बड़ा चौराहा है और गांव में लेडीज लोग आती है, बताइए कि अभी तो लोग के लिए बटाता है दोस्तों, और प्रसाद से पेट नहीं भरता है, लेकिन थोड़ा ही प्रसाद अगर निवाला चला जाता है अंदर तो बहुत आत्मा से जैसे लगता है कितना सुकून मिलता है, जैसे लगता है हम लोग क्या खा लिए हैं, ऐसा लगता है जैसे कि मतलब ये प्रसाद नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, जैसे आभास होता है। तो मतलब हम ज़्यादा ही मंगवाते हैं कि मतलब कोई ऐसा ना हो कि प्रसाद मेरे से छूट जाए देने को, तो इसीलिए ज़्यादा मंगवाते हैं, सब चौराहे पर जितना दुकान है सबको बंटवाते हैं, फिर गांव में की औरतें आती हैं लोग उनको भी प्रसाद खिलाते हैं। और दोस्तों मिठाई उठाई भी मतलब आप लोग तो जानते हैं हम बहुत दिलदार आदमी हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे फ्रिज में रख रहे हैं, इसको ख़राब नहीं होगा, इसे यहाँ पे देखिए खाली इसमें फल फूल खाली फल फूल रखाता है, इसमें केवल नया फ्रिज रख नया फ्रिज है, इसमें कुछ नहीं, बस सेव फल फूल और पानी, दही यहाँ पानी है, सब पानी है, पानी सब बोतल पानी है, सब धो के पानी भरा हुआ है पीने के लिए, सब नहीं तो रखाएगा दोस्तों। तब बस इनको जगा रहे हैं, पुट से जाग के सो जा रही है, फूल तोड़ने जाना है, पिल्ला काट ली गई, पिल्ला समझ में आ जाए तू के, अरे तो का बे काट ली तो सुई लग जाए, सही हो जाए, डंडो को ला तो बस बहुत डंडा को, नींद ना तो यार ना को स्किन ठंडो लो मत, कुछ एक तो उड़े वाला ना, मैं चलो उड़े वाला, चलो मैं देते उड़े वाला उठा। तो यहाँ पे देखिए बैठ के रखा रही है अपना माता जी को, और बच्चे सब गए हैं रात के पहर मूर्ति लेने के लिए। यहाँ पे देखिए सारा सामान है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे सामान है सब, डीजे उजे, और यहाँ पे माता जी का ये जो हम लोग पूजा करते हैं ये सब चीज़ें हैं, और यहाँ पे बैठी हुई है बिस्तर पे, शीत नहीं लग रहा है, खुला है ऊपर से आए दोस्तों। यहाँ पे देखिए अभी पूजा गीत गवा रही है और पूजा उजा कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है रिया, पता नहीं हमारा दीदी लोग अन्ना लंबे लंबे साजे करी, हम माता रानी मुड़ी घरों में जाकर करी। दोस्तों यहाँ पे देखिए माता रानी को सो के रोड के किनारे ही सो के रखा रही है। खाना लेके आ रहे हैं गोल्डन हमारे लिए, भूख लगा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे रात हो गया बहुत ज्यादा, यहाँ पे सो रही है माता रानी के पास यहीं पे रख रही है। हम नहीं जा रहे थे, सुनते सुनते सो गए, पता नहीं कब चली गई, हमको पता भी नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे आधा घंटा पौन घंटा लगे दोस्तों, पहले हम लोग रात पे रात में दिन में सब मतलब दिन रात मिला करके हम लोग यहीं पर रहते थे, बहुत अच्छा लगता था, अब तो चले गए हम लोग नए वाले घर, अब वहाँ भी अच्छा लगता है दोस्तों, यहाँ से ज़्यादा वहाँ अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मतलब जब से आए हैं अपना पंडाल यही है, देखिए दोस्तों देखिए सजाया जा रहा है, अभी माता रानी भी आएंगी, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, रास्ते में आधा रास्ते आ चुकी हैं और आ रही हैं दोस्तों, अभी बहुत सारे कमेटी बच्चे लोग गए हैं, कोई है नहीं रखाने वाला, हम रखा रहे हैं दोस्तों, सो कर बैठ करके समय ही नहीं पास हो पा रहा है, परेशान हो गए हैं एकदम से, लेकिन जब आ जाएंगे तो सुकून मिल जाएगा दोस्तों, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कब आएंगे कब आएंगे, कब एक झलक देखेंगे, बहुत अच्छा लगता है।
दोस्तों देखिए आ गया है मूर्ति, माता जी का मूर्ति आ गया है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। बहुत लोग बच्चे अच्छे हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारी माता रानी आ चुकी हैं, बच्चे डाली पर लगी हैं, आप लोग देख सकते हैं। और लाइट उधर से इसलिए क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। और बहुत मेहनत किए हैं बच्चे लोग, बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं हमारे चौराहे पर की कमेटी के बच्चे बहुत जानते हैं। और यहाँ देखिए हमारी माता रानी आ चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं। और बहुत धूमधाम से दोस्तों अभी देखिए डीजे हम बंद करवाए हैं, सिर्फ वीडियो के लिए डीजे बंद करवाए हैं। और देखिए कितना ये लोग, बहुत ज़्यादा लोग हैं और सभी लोग गए थे लेने के लिए। इधर से आइए दिखाते हैं आप लोग। देखिए दोस्तों ये हमारी माता रानी आ चुकी हैं, गह गह धरती। देखिए दोस्तों, देखिए वाह, ये देखिए आसमान, वाह। बोलिए दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की, गणेश भगवान की, सरस्वती मैया की, कार्तिकेय भगवान की, लक्ष्मी मैया की, लक्ष्मी मैया की, काली मैया की, काली मैया की, तरकुलही मैया की, तरकुलही मैया की, देख सकते हैं मूर्ति बहुत बड़ी है। और उतरा रहे हैं सभी लोग, उतार रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों। बहुत डर लग रहा है कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए। देखिए दोस्तों, जयकारा मारते रहो। देखिए बाबू, देखिए दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की, बचा के। दोस्तों देख सकते हैं नीचे उतर चुकी है हमारी माता रानी। और कितनी बड़ी, बाप रे बाप, बहुत ही बड़ी हैं। और इस तख्ते पर रखाएंगी। महादेव जी कहाँ, महादेव जी? अरे नीचे उतर दो बाप रे, अरे तो ले चल जाएंगे टाली वाले। अरे उतर जा, अरे कुछ जा, कुछ जा। दोस्तों मूर्ति बहुत बड़ी थी दोस्तों, उतारने में पसीना चल रहा है। अभी जाएंगे और पूरा रात आज हम लोग को जागना है, चौके बैठेंगी माता जी आज। जय दुर्गा मैया, जय दुर्गा मैया, जय हो, जय हो, जय हो, जय दुर्गा माता, जय दुर्गा माता, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय दुर्गा माँ, जय दुर्गा माता, जय 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 जय। पीछे पीछे कहाँ घुमाओ, तो खुले हो ना, इन्हें इन्हें काकू, इन्हें काकू।
अच्छे से धरा गया, बहुत खुशी हो रहा है ना। तो जानते हैं रात को ही लोग तोड़ लेते हैं फूल सारा, इसलिए हम लोग यहीं पर आए हैं। और कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा मैम। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, नींद भाग गया, उठने। दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग रात पहर इतनी रात को फूल तोड़ रहे हैं, आप ही लोग देख सकते हैं कौन कौन देख रहा है। हम लोग देखिए 3 बजे आए हैं तभी फूल यहाँ पर छा गया है, पूरा एकदम फूल खत्म हो चुका है, ऊपर ऊपर है दोस्तों, वही तोड़ रहे हैं। और दोस्तों आप लोग से बता दें, आप लोग बताइएगा कमेंट में कौन कौन हमारे जैसे 3 बजे 2:30 बजे रात को जाता है फूल तोड़ने के लिए, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा तकलीफ होता है दोस्तों, किस मतलब फूल तोड़ने में तकलीफ नहीं होता, जैसे हम लोग रास्ते में आ रहे थे दोस्तों ना, बहुत पिल्ला दौड़ाते हैं लोग, झुंडे झुंडे होते हैं लोग दौड़ाते हैं लोग, बहुत डर लगता है कहीं कोनो धई नहीं लग, पता चला पिल्ला वाला सुई लगवाए पड़ी।